पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुल मोमिन, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड मेल इन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मेरा MBBS इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर, और FCPS यूरोलॉजी कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से है। मैं गुज़िश्ता 10 साल से जिन अमराज को डील कर रहा हूँ उनमें मेल इशूज़ जैसे मर्दाना बांझपन, वेरिकोसील, मर्दाना कमज़ोरी, और गुर्दे मसाने के अमराज जैसे गुर्दे की पथरी, गुर्दे की नाली की पथरी, मसाने की गदूद, कैंसर, ये शामिल हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है वेरिकोसील। हम देखेंगे वेरिकोसील क्या है, इसकी क्या इलामात हैं, इसको हम कैसे और कब इलाज करेंगे, और बेस्ट इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। अच्छा, आसान अल्फाज में वेरिकोसील ये ऐसा मर्ज है जिसमें जो हमारे टेस्टिस हैं, या जो जिनको हम उर्दू में कहते हैं खसिए, वो नालियाँ जो खसियों से खून वापस बॉडी में लेके जाती हैं ना, उनका साइज़ नॉर्मल साइज़ से बड़ा हो जाता है। उसका नुकसान ये होता है कि जब खून वापस तो जा रहा होता है बॉडी में सफाई के लिए, लेकिन कुछ खून वापस आना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से जो हम कहते हैं टेस्टिस या खसियों की जो काम करने की सलाहियत है, या जो उनका जो अपना वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो ख़राब हो जाता है और टेस्टिस ठीक से काम नहीं कर पाते। तो इसको हम लेबल करते हैं कि पेशेंट को वेरिकोसील का मसला है। अच्छा, इसकी जो दो टॉप ऑफ द लिस्ट या जो मेन इसकी सिम्टम्स हैं, वो हमारे पास पेशेंट आते हैं, या तो उनको पेन हो रही होती है, एक बेचैनी सी होती है, मीठी मीठी सी पेन होती है, या दूसरे नंबर पे आता है मर्दाना बांझपन, के सीमन की रिपोर्ट में जो उनका क्वालिटी होती है सीमन्स की, स्पर्म्स की, वो ख़राब हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं काउंट कम हो जाता है, मोटिलिटी कम हो जाती है, और नॉर्मल फॉर्म्स कम हो जाती है। और ये देखा गया कि एक्सट्रीम फॉर्म में जब इसका ग्रेड हाई हो जाता है तो स्पर्म की पैदावार को मुकम्मल ख़त्म भी कर सकती है। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं इन दोनों में से किसी भी एक वजह के साथ, तो हम इसका पहला काम ये करते हैं कि हम सीमन टेस्ट करवाते हैं और डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं कि वेरिकोसील का मसला तो नहीं है, और अगर है तो वो इस वक्त किस स्टेज पर है, तो उसके भी अकॉर्डिंगली हम इसको डील करते हैं। अच्छा, वेरिकोसील नॉर्मल देखा गया कि 20-30% तक जो मेल नज़रात हैं उनमें हो सकती है, लेकिन हर एक में इलाज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनमें इलामतें आ रही हों, जिस तरह मैंने बताया पेन हो रही हो, मर्दाना बांझपन है, या कोई मेडिकल टेस्ट के इश्यूज आते हैं, जब भी इनमें से कोई इलामत हो तो हमने इसको ट्रीट करना है। और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है कि हमने इसको ऑपरेट करके, सर्जरी करके हमने इन वेन्स को लाइगेट करना है, इनका फ़्लो हमने बंद करना है, ताकि जो आपको सिम्टम्स आ रही हैं वो ठीक हों। इसका मेडिकल इलाज नहीं है। कोई बंदा भी या कोई डॉक्टर या कोई अगर कोशिश करता है कि हम इसको मेडिकली ठीक करें, तो वो सिर्फ आपका टाइम और आपका आपकी जो अपना पैसे हैं, मनी है, उसको वो अपना जो ज़ाया कर रहा है। अच्छा, दूसरा हमारा जो हमारे से ऑडियंस आगे सवाल पूछती है कि डॉक्टर साहब कौन सा ऑपरेशन बेस्ट है, क्योंकि जब एक ही काम करने के 2-3 तरीके हों तो हमने कुछ पैरामीटर सेट किए होते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन या कौन सा प्रोसीजर उन सारे पैरामीटर्स को मीट कर रहा है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर हम देखें कि कौन सी चीज़ बेस्ट है। हमने ये देखना होता है कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो सबसे जो लो कॉस्ट में है, किसकी पेन कम है, रिकवरी तेज़ है, और कॉम्प्लिकेशन रेट सबसे कम है। तो इसको जो करने के 3 तरीके हैं, या तो हम इसको कर सकते हैं कैमरे की मदद से, जिसको कहते हैं लेप्रोस्कोपी, या आजकल एम्बोलाइजेशन है दूसरी ऑप्शन है, या तीसरा जो तरीका है वो है माइक्रो सर्जरी, जिसको हम बेसिकली माइक्रोस्कोपिक सर्जरी भी कहते हैं। तो अगर हम ये तीनों चीज़ें देखें कि जिसमें हम देखते हैं जिसमें जिसका आउटकम सबसे अच्छा है, कॉम्प्लिकेशन रेट सबसे कम है, रिकवरी काफ़ी क्विक है, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, जिसमें आपका खर्चा कम होता है, जब हम ये सारे अपना जो है चीज़ें देखते हैं, तो जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो बेसिकली है माइक्रो सर्जरी, माइक्रो सर्जरी वेरिकोसिलेक्टमी। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये ऑपरेशन रूटीन में अंडर एनेस्थीजिया परफॉर्म किया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीजिया, रफली 1-1.25 घंटे का ऑपरेशन होता है, जिसमें हम एक बहुत छोटा सा कट लगा के जो खून की नालियाँ जब पेट से निकल के टेस्टिस में आती हैं, पेट के निचले हिस्से में, वहाँ से हम इन नालियों को बेसिकली लाइगेट कर देते हैं, ताकि जो इनका इफेक्ट आ रहा है वो नलीफाई हो जाए। रूटीन में मरीज़ 5-6 घंटे बाद घर चला जाता है, 2-3 दिन रेस्ट करके अपना रूटीन का ऑफिस वर्क स्टार्ट कर देता है। ये सबसे सेफ, सबसे बेस्ट वे है वेरिकोसील को ठीक करने का। उसके बाद हम पेशेंट को मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, जो कि आलमोस्ट 3-6 महीने तक होता है, और इसको 6 से 6 महीने से 1 साल तक मरीज़ को इसके बाद टाइम लगता है रिकवरी के लिए। तो आप अगर इस मर्ज़ का शिकार हैं, मर्दाना बांझपन का, वेरिकोसील का,
तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता करें, ओला डॉक पे आएँ, अपॉइंटमेंट लें। मैं बेसिकली चुगताई मेडिकल सेंटर शालामार लिंक रोड बिल मुकाबिल शालामार हस्पताल रात 8 से 10 बजे तक प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप इन नंबर पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।